तो गाइस आज हम बनाने वाले हैं क्लोज एंड ओपन स्विच। सबसे पहले आपको 3x3 का दोनों साइड में ऐसे स्क्वायर्स बना लेना है और उस पर गेट्स डाल देने हैं। फिर आपको बैक में आना, फिर आपको एक स्विच लेना है और एक मिडल में और एक उसके साइड में प्लेस करना है। फिर आपको बैक में कुछ पिस्टन्स और एक रेडस्टोन ब्लॉक को कुछ इस तरह से पुट करना है। देन आपको बैक में आना है और इन ब्लॉक्स को कुछ इस तरह से पुट करना है जो कि एक ब्रिज बन जाए रेडस्टोन को पहुँचाने के लिए। फिर आपको बैक में आना है और एक रेडस्टोन मटेरियल को कुछ इस तरह प्लेस करना है। देन आपको वायर को, देन आप जैसे ही क्लोज वाले बटन को दबाइएगा तब ये वाला एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही ओपन वाले बटन को दबाइएगा तो वो वाला स्टोन एक्टिव हो जाएगा। देन आपको बैक में आना है और कुछ इस टाइप का ब्रिज बना के रेडस्टोन को गेट्स के, देन आपको साइन बोर्ड्स ले लेने हैं और कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है। एक पे ओपन लिखना है और दूसरे वाले पे क्लोज लिखना है कुछ इस तरह से। देन जैसे ही आप क्लोज वाले को दबाइएगा गेट क्लोज हो जाएगा और ओपन भी ओपन हो जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग माइनक्राफ्ट शॉर्ट्स।